राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का वैदिक प्रतीक YouTube चैनल पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 18 सितंबर को लगने वाला है। तो कंफ्यूजन की स्थिति यह बनी हुई है कि कुछ विद्वानों का मत है इसका प्रभाव भारत में रहेगा और कुछ विद्वानों का मत यह है इसका प्रभाव भारत में नहीं रहे। तो आइए जानते हैं कि किस तरह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, जो कि 18 सितंबर बुधवार के दिन सुबह 6:12 से 10:17 तक रहेगा, और इस चंद्र ग्रहण की जो अवधि है वह लगभग 4 घंटे 4 मिनट तक रहेगी, और इसका प्रभाव उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हिंद महासागर, यूरोप और एशिया में देखने को मिलेगा। और यह चंद्र ग्रहण आंशिक रूप का चंद्र ग्रहण है। आर्यभट्ट पंचांग के अनुसार कि भारत में किन किन राज्यों में आंशिक रूप से यह चंद्रग्रहण दिखाई दे रहा है, जो कि कुछ मिनटों का है लेकिन दिखाई दे रहा है। उन शहरों के नाम इस प्रकार से हैं: अमृतसर में 2 मिनट रहेगा, अजमेर में 5 मिनट, कोल्हापुर में 10 मिनट रहेगा, कोच्चि में 3 मिनट, गोवा में यह 12 मिनट तक रहेगा, जोधपुर में भी 12 मिनट ही रहेगा, और सबसे ज्यादा जो रहने वाला है गुजरात के द्वारिका में 30 मिनट तक यह रहेगा, नासिक में 3 मिनट तक रहेगा, बड़ोदरा में 12 मिनट रहेगा, बीकानेर में 10 मिनट तक रहने वाला है। भारत के लगभग लगभग 37 राज्यों में इसका आंशिक चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर सूतक नहीं लगेगा। जिन राज्यों में आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण लग रहा है वहां पर 9 घंटे पहले से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो भारत के वह 37 शहर जिनमें आंशिक रूप से यह चंद्रग्रहण दिखाई दे रहा है, और जिन राज्यों में यह नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर किसी प्रकार का, अब बात यह है कि अगर आप इसको मानते हैं तो इसका पालन करिएगा, और नहीं मानते हैं तो फिर कोई बात नहीं है। इस बार का चंद्रग्रहण इतना प्रभावशाली नहीं है। चंद्र ग्रहण का संयोग मीन राशि में होने वाला है। मीन राशि वाले देश और राज्य इससे प्रभावित रहने वाले हैं, जहां पर लैंडस्लाइड और भारी वर्षा का योग देखा जा सकता है। पितृ पक्ष में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है। ग्रहण काल में किया गया स्नान, दान और श्राद्ध अधिक फल देने वाला होता है। तो आप इस पितृ पक्ष में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के दिन यानी 18 तारीख को श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। आज की जानकारी में इतना ही। पुनः आपसे मिलेंगे। राधे राधे।